खबर बलिया से, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में हुए सभी उपचुनाव सत्ता पक्ष के खाते में गए हैं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी लोकसभा में नेताजी सपा बसपा गठबंधन होने के बाद भी 95,000 वोट से जीते थे। ऐसे में इन वोटों में बसपा के वोट निकाल दिए जाए तो सपा का क्या हाल होगा। उन्होंने दावा किया कि सपा चुनाव में लड़ाई में नहीं है, वो सिर्फ चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने कार्यकाल में अन्याय, अत्याचार, तानाशाही, गुंडई की है। उन्होंने कहा कि जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है वो लोग सपा को वोट देने को तैयार नहीं हैं। ओपी राजभर अखिलेश शिवपाल के एक होने पर बोलते हुए कहा कि चाचा कब सपा से अलग रहे हैं। लोकसभा विधानसभा में चाचा साथ थे, कितने वोट दिलाए तो अब कितना वोट दिला देंगे चाचा जी। इस तरह से तमाम बातें कही हैं, सुनिए क्या कुछ कहा। लड़ने की तैयारी में है, हम वहाँ वहाँ जाकर के सभा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए लोगों को ताकत देने के लिए ऊपर सभा निकाय चुनाव जो है उसको लेकर भाजपा भी काफ़ी सीरियस है, समाजवादी पार्टी भी कमर कस रही है। फिलहाल उपचुनाव की अगर हम बात करें तो मैनपुरी और रामपुर के जो उपचुनाव हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रदेश में जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता पक्ष का होता है। अगर आप देखते आजमगढ़, आप देखिए आगरा, रामपुर, आप देखिए भोला, अपने यूपी में जो चुनाव हुए वो सत्ता पक्ष के खाते में गया। और बड़ी चर्चा मैनपुरी लोगों के दिमाग में है। देखिए, जब माननीय नेताजी बसपा सपा गठबंधन में चुनाव लड़े तब वो 95,000 से, अगर बसपा का वोट खाली निकाल दीजिए तो मैनपुरी में क्या हाल है सपा का? तो हम जो पिछला रिकॉर्ड है उसी के आधार पे, लड़ाई नहीं है खाली चिल्ला रहे हैं। चार बार की सरकार में जो समाजवादी पार्टी ने गुंडई किया, तानाशाही किया, जमीन कब्जा किया, थाने से अपराधियों को छुड़ा के लेके चले गए, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, तो वो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने को तैयार थे। तो चाचा के साथ आगे बढ़िए, चाचा कब अलग रहे हैं आप बता दीजिए। विधानसभा चुनाव में साथ रहे हैं, लोकसभा में साथ रहे हैं, यहू में साथ रह के कई वोट दिला देंगे चाचा जी? आप भी तो साथ में रहे हैं समाजवादी पार्टी के, दिखा दिया ताकत। अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुलने दिया, आजमगढ़ खाता नहीं खुलने दिया, गाजीपुर खाता नहीं खुलने दिया, बलिया में हमारे मित्र लड़ रहे थे छोड़ दिया, नहीं तो दाव तो लगा ही दिया था। रामपुर में आपके द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है जयवीर सिंह को, तो क्या मैनपुरी में आपके द्वारा प्रत्याशी का भी कोई ऐलान नहीं? देखिए, तो कहां आपकी पार्टी में हमारा पर्चा खारिज हो गया है, हम लोगों ने यहां से पर्चा भर करके कंप्लीट करके दे दिया। सिर्फ उसकी जो प्रक्रिया होती है शपथ का, तो शपथ वो नहीं न ले पाया, न रिटर्निंग अफसर दिलाया, जबकि जिम्मेदारी रिटर्निंग अफसर की होती है। तो रिटर्निंग अफसर की चाहे चालबाजी हो, चाहे प्रत्याशी की चालबाजी जिसको कह लीजिए, तो और सब चीज ओके है, सिर्फ शपथ पत्र के न लेने की वजह से पर्चा हमारा मैनपुरी का खारिज हो गया, नहीं तो हम तो छमाही परीक्षा तो पास है कर। तो ऐसे में मैनपुरी में किसको समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर 2019 के चुनाव के अब नजर डाल लीजिए तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि कौन जीतेगा। तो आपका जब प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया तो आप किसको समर्थन देंगे? बीजेपी को देंगे कि सपा को देंगे? हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे, हमारे वोटर बहुत चालाक जी। तो किसको देंगे वोटर आपके? वोटर वो हमारा वोटर एकदम स्वतंत्र है, वो समझ रहा है ना कि हमारा भला कहाँ है। तो कहाँ भला है आपको? अब वोटर बताएगा कि हम तो बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या मोदी ने भगवान को पैदा किया है, इस तरीके का उनका एक वायरल वीडियो हो रहा है कल से ही, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उनका वीडियो अगर आप थोड़ा सा 5 साल पहले चले जाइए या 7 साल पहले चले जाइए, तो जब बसपा में थे तब वो क्या बोलते थे, सपा में आए तब क्या बोल रहे हैं, भाजपा में थे तो क्या बोल रहे थे, उनका थोड़ा पीछे आगे का भी वीडियो निकाल के उनको दिखा दीजिए क्या बोलते थे। ये राजनीति में कहाँ इनका दाव लग जाए वहाँ ये चले जाए।
के समझ लीजिए। तो भगवान राम को लेकर इतनी बड़ी उनका टिप्पणी आया कि क्या मोदी आए तो राम को लेकर आए हैं, क्या इसके पहले राम नहीं थे, क्या मोदी ने ही राम को पैदा किया था, इस तरह का बयान उनका किस रूप में आप देखते हैं? ये देखिए, नेता अपने चर्चा में आने के लिए बयानबाजी करते हैं, और हम तो जब छोटे दे हूँ, हमको अंदाजा कि जूनियर हाई स्कूल में थे तब गांव में रामलीला होती थी, तब इतना वो नहीं सिस्टम था, तो एक मनोरंजन के नाम पर या रामलीला देखने के नाम पर हम लोग जाते थे गांव में। तो रामलीला तो उस समय होती थी, आज के कम से कम हमको अंदाजा कि 40 साल 45 साल पहले। आई राजनीति में बसपा में मिनिस्टर बने तब नहीं याद आया बोलने के लिए, सपा में गए हैं तब बोल रहे हैं, भाजपा में थे क्यों नहीं बोले, 5 साल तो रसमलाई खूब चापे और उसके बाद अब बोली आ रही है, खा लिए थोड़ा तो दम आ गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।